मारूफ शायर सागर सिद्दीकी के वालिद ने सागर की पसंद की लड़की को यह कहकर ठुकरा दिया था कि हम खानदानी लोग हैं, लिहाजा किसी तंदूर वाले की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकते। गुस्से में उस लड़की के घर वालों ने उसकी शादी पंजाब के जिला हाफिजाबाद में एक मुतमवल शख्स से कर दी जो कामयाब ना हो पाई। लेकिन सागर दिल टूटने पर अपने घर की तमाम आसाइश और आराम छोड़कर दाता की नगरी यानी दाता दरबार लाहौर में कायम पजीर हो गए। जब उनकी महबूबा को पता चला कि सागर दाता के दर पर रहता है तो वो दाता साहब आ गई। काफी तलाश के बाद आखिर ताज खेलते हुए एक नशेइयों के झुरमट में उसे सागर मिल ही गया। उसने सागर को अपने साथ चलने को कहा और ये भी बताया कि मुझे मेरे खावन ने हाथ तक नहीं लगाया और हमारी दास्तान मोहब्बत सुनकर उसने मुझे तलाक दे दी है, अब अगर तुम चाहो तो मुझे अपना लो। जवाब में सागर ने यह कहकर इनकार कर दिया कि बंदाए परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। गुर्बत, डिप्रेशन और टेंशन की वजह से सागर सिद्दीकी के आखिरी साल नशे में गुजरे और वो भीख मांगकर और अपनी गजलें बेचकर गुजारा करते रहे। सागर गलियों में फुटपाथ पर सोया करते थे लेकिन तब भी शायरी ना छोड़ी। उसी जमाने में सागर ने शोहरा आफाक गजल भी कही, जिंदगी एक जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की सजा पाई है याद नहीं। कहते हैं कि जब जनरल अयूब खान पाकिस्तान के सदर थे तो उनको भारत में एक मुशायरे में मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया गया। जब मुशायरा शुरू हुआ तो एक शायर ने एक दर्द भरी गजल से अपने कलाम का आगाज किया। जब वो शायर शेर सुनाकर फारिग हुआ तो जनरल अयूब ने उस शायर को कहा कि मोहतरम, जो गजल आपने इब्तदा में पढ़ी बहुत दर्द भरी गजल थी, यकीनन किसी ने खून के आंसुओं से लिखी होगी। अयूब खान ने दाद देते हुए कहा कि यह गजल मुझे बहुत पसंद आई। जवाब में वो शायर बोले कि जनाबे वाला, आपके लिए खुशखबरी और हैरत की बात यह है कि इस गजल का खालिक, इसको लिखने वाला यानी शायर आपके मुल्क पाकिस्तान का है। जब अयूब खान ने बात सुनी तो दंग रह गए, बोले इतना बड़ा हीरा मेरे मुल्क में मौजूद है और मुझे पता ही नहीं। जब उस शख्स से गजल के शायर का नाम पूछा गया तो उसने कहा कि जनाबे वाला, उस दर्द भरे शायर को सागर सिद्दीकी कहते हैं। जब जनरल अयूब पाकिस्तान वापस आए और सागर सिद्दीकी का पता मालूम किया तो किसी ने बताया कि वह लाहौर में दाता के दर पर रहते हैं। जनरल अयूब ने उसी वक्त अपने चंद खास आदमियों पर मुश्तमिल एक वफ्द तहाइफ के साथ लाहौर भेजा और उनको कहा कि सागर सिद्दीकी को बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ मेरे पास लाओ और कहना कि फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जब वफ्द लाहौर पहुंचा तो दाता दरबार के सामने खड़े चंद लोगों से शायर सागर सिद्दीकी के रिहाइशगाह से मुतालिक पूछा। लोगों ने तंजिया लहजों के साथ हंसते हुए कहा कि कैसी रिहाइश, कौन सा शायर, अरे आप तो एक चर्सी और भंगी के बारे में पूछ रहे हैं। तब एक शख्स ने इशारा करते हुए कहा कि वो देखो सामने पड़ा है, सागर सिद्दीकी चर्सियों और भंगियों के झुरमट में। जब जनरल अयूब खान का भेजा हुआ वफ्द सागर के पास गया और उनको जनरल साहब का पैगाम दिया तो सागर सिद्दीकी कहने लगे कि जाओ उनसे कह दो कि सागर की किसी के साथ नहीं बनती, इसीलिए सागर किसी से नहीं मिलता। बेपनाह इसरार और तरलों के बावजूद सागर न माना, अलबत्ता उसने सिगरेट की डबिया के अंदर से सफेद कागज निकाला और उस पर यह शेर लिखकर सदर अयूब को भेज दिया, जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।